Hi everyone, this is Anshulika Soni and you are with me on my channel Legacy of Law. तो आज Legacy of Law में हम बात करेंगे same sex marriages के बारे में कि is it legal or non-legal. ठीक है, तो ये बहुत ही important news अभी चल रही है हमारे इंडिया में कि सेम सेक्स मैरिजेस कैन नॉट बी गिवन लीगल सैंक्शन बाय इंडियन गवर्नमेंट. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिस्कशन दैट इज़ गोइंग ऑन एंड क्या रीज़न दिए गए हैं, क्या बताया गया है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 377 ऑफ आर इंडियन पीनल कोड. सो लेट्स स्टार्ट विद आर टुडेज वीडियो. सो एज़ यू कैन सी कि जो स्टेटमेंट लिखा है, सेंटर हैज़ अपोज एनी मूव टू अकॉर्ड लीगल सेंक्शन टू सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया. तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट है, न्यूज़ है कि सेंटर ने इसे अपोज किया है कि दो सेम सेक्स के बीच मैरिज नहीं हो सकती इंडिया में. इसे लीगलाइज नहीं किया गया, इसे सैंक्शन नहीं किया गया. सो दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द डे दैट सेम सेक्स इज़ नॉट वेल दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द डे दैट सेम सेक्स मैरिजेस इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया. इसे एक लीगल सैंक्शन नहीं मिला है, इसे लीगलाइज नहीं किया गया है कि दो सेम आदमी या फिर दो औरतों के बीच शादी हो सके. बिफोर मूविंग अहेड कि हम और डिस्कस करें, बट वी शुड अंडरस्टैंड द पास्ट हिस्ट्री. मतलब जो जजमेंट पहले पास किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उस जजमेंट में क्या बोला गया था, क्या बताया गया था एंड उसका मतलब क्या था, कि वी शुड नॉट इंटरप्रेट दैट जजमेंट इन अ रॉन्ग वे. हमें भी इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. तो पहले हम एक पास जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल जाए, ताकि आपको उस जजमेंट में और इस जो न्यूज़ में एक कॉन्ट्रडिक्शन ना रहे, कॉन्ट्रडिक्ट ना हो बातें. सो लेट्स नो आ पास्ट. वेल ऑन September 6, 2018 सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो सेक्शन 377 है इंडियन पिनल कोड में, उसे डीक्रिमिनलाइज किया था. अब यहाँ पे क्या हुआ था, उसे इसलिए डीक्रिमिनलाइज किया गया था बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एज एन अननेचुरल ऑफेंस. सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि हमें सेक्शन 377 हटाना चाहिए बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग अ फंडामेंटल राइट. बट एट द सेम टाइम उनने ये जजमेंट पास नहीं किया था कि सेम सेक्स मैरिज मैरी या मैरिज कर सकते हैं या वो एक दूसरे से नॉट टाई कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं. सो देर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन इन द जजमेंट कि जो पहले उनने जजमेंट पास किया था, उनने डीक्रिमिनलाइज किया था सेक्शन 377 को, जो कि पहले होमोसेक्सुअलिटी को एक ऑफेंस मानता था, एक अननेचुरल ऑफेंस मानता था. बट उन्होंने ये चीज़ नहीं अलाउ करी थी कि दे हैव द राइट टू मैरी ईच अदर. तो यही एक डिस्कशन है जो कि रिसेंटली बहुत अभी चल रहा है. सो इट ओनली ग्रांटेड सेम सेक्स कपल टू लीड अ डिग्निफाइड प्राइवेट लाइफ बट अलाउज देम ओनली बेसिक राइट टू कंपेनियनशिप एज लॉन्ग एज मच कंपेनियनशिप इज कंसेंशुअल. उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई कोअर्शन नहीं होना चाहिए. सो उन्होंने सेम सेक्स कपल को जीने की आज़ादी दी थी उनकी कंसेंसस के हिसाब से, उनकी कंपेनियनशिप के हिसाब से. उन्होंने उनको ये चीज़ नहीं अलाउ करी थी कि दे कैन मैरी ईच अदर. सो यू कैन नॉट जस्ट थिंक कि अगर आपका सेक्शन 377 हट गया है तो हमारे यहाँ LGBT कम्युनिटी को शादी करना अलाउ कर दिया इंडियन गवर्नमेंट. दे हैव नॉट अलाउड देम टू डू दैट. दे हैव ओनली अलाउड देम टू लीड अ डिग्निफाइड प्राइवेट लाइफ एंड वो अपनी कंपेनियनशिप मीन्स इंजॉय कर सकते हैं एंड उनकी प्राइवेट लाइफ में उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन नहीं होगा. सो दिस हैज़ बीन गारंटीड बाय सुप्रीम सो दिस हैज़ बीन गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो ऑफ होमोसेक्सुअल इज अ क्राइम और नॉट और बींग होमोसेक्सुअल इज अ क्राइम और नॉट इन IPC सीरीज. सो थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग कनेक्ट with me on my channel and stay tuned with this. So hit the bell icon for more updates.